वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रेस एक्शन। चलो उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे। गाइस मेरा फिजान, मेरा नाम है जावेद। गाइस सबसे पहले आपको नमस्ते। गाइस अगर हमारे वीडियो पे न्यू है तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब को ठोको बटन साथ ही बेल का आइकन उसे प्रेस करें, जो मुझे आने वाली अपडेट हो गाइस आप तक पहुंच जाए। करें लाइक एंड कमेंट ठोको। गाइस वीडियो का टाइटल है मुंबई वर्सेस ढाका। गाइस आप लोग बताएंगे मुंबई में से ढाका कौन सी सिटी अच्छी है। काउंट स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेंटी फैक्ट्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका और इंडियन स्टेट महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई के बारे में, और जानेंगे मुंबई और ढाका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ढाका के बारे में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। ढाका बांग्लादेश की राजधानी शहर बात है। और साथ ही ढाका बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी है। ढाका को रिक्शा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सिटी ऑफ मस्क के नाम से भी जाने जाते हैं। ये शहर बूढ़ी गंगा नदी के पूर्वी किनारे स्थित है। ढाका शहर 306 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ढाका मेट्रोपोलिटन एरिया 2161 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 2020 में ढाका मेट्रोपोलिटन की कुल आबादी 1,90,00,000 के आसपास है और ये शहर दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड शहर भी है। ढाका शहर का नाम ढाकेश्वरी टेम्पल के नाम से आया है और अभी भी ढाका में ढाकेश्वरी टेम्पल मौजूद है। ढाका बांग्लादेश की फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल है और तो और बांग्लादेश की इकोनॉमी में 35% योगदान ढाका शहर का ही है। ढाका शहर को 130 वार्ड्स में डिवाइड किया गया है और इस शहर में ज्यादातर लोग बंगाली में ही बात करते हैं। बंगाली में ये क्यों? ढाका एशिया में वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और हर साल ढाका की पॉपुलेशन 4.2 ग्रोथ रेट के साथ बढ़ती रही है। क्या बात है। बांग्लादेश में ज्यादातर आईटी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, डिप्लोमेटिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिफेंस हेडक्वार्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिस और भी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफिस ढाका में ही मौजूद है। बांग्लादेश में ज्यादातर हाई रेज बिल्डिंग ढाका में ही है। ढाका में 20 फ्लोर से लेकर 37 फ्लोर तक लगभग 65 से भी ज्यादा हाई रेज बिल्डिंग मौजूद है। क्या बात है। इस शहर की सबसे ऊंची इमारत है सिटी सेंटर ढाका और इस बिल्डिंग में 37 फ्लोर मौजूद है। ढाका बांग्लादेश में सबसे व्यस्त महानगरी है। बांग्लादेश में हर कोई ढाका में ही सेटल होना चाहता है और जिस वजह से ढाका की ट्रैफिक और पोल्यूशन लेवल भी काफी हाई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ढाका में ज्यादातर लोग ओवर पॉपुलेशन और ट्रैफिक की वजह से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन ढाका के मेट्रो रेल के कंस्ट्रक्शन के काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है और 2021 के अंदर ही ढाका में मेट्रो रेल चालू होने वाली है और ढाका में मेट्रो रेल चालू होने के बाद ही ढाका के ट्रैफिक काफी हद तक कम हो जाएगा। और तो और ढाका मेट्रो बांग्लादेश की एकमात्र मेट्रो प्रोजेक्ट भी है। बांग्लादेश में सिर्फ एक ही फिल्म इंडस्ट्री है ढालीवुड, और ढालीवुड एक ढाका बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री है। हर साल ऑन एन एवरेज इस फिल्म इंडस्ट्री से लगभग 70 से भी ज्यादा फिल्म रिलीज की जाती है। ढाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया भर में काफी फेमस है। बांग्लादेश में सबसे पहले 5-स्टार होटल से लेकर सबसे बड़ी स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, इंडस्ट्री, ज्यादातर फेमस और घूमने लायक हिस्टोरिकल प्लेसेस ढाका में ही मौजूद है। ढाका के कमलापुर रेलवे स्टेशन बांग्लादेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ओ, क्या बात है। बांग्लादेश में सबसे बिजी और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका, और इस एयरपोर्ट से हर साल लगभग 80 लाख से ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों ये थी ढाका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे ढाका और ढाका के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए। जैसा लालबाग फोर्ट, शहीद मीनार, नेशनल पार्लियामेंट हाउस, बांग्लादेश नेशनल जू, नेशनल वाटर मॉन्यूमेंट्स, लिबरेशन और म्यूजियम, फैंटेसी किंगडम एम्यूजमेंट वाटर पार्क, ढाकेश्वरी टेम्पल, सदर घाट, बैतुल मकर्रम मस्क, स्टार मस्क, हाथीर झील,
जमुना फ्यूचर पार्क, बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम, रमना पार्क, बांग्लादेश एयरफोर्स म्यूजियम, नव थिएटर, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, धनमुंडी लेक, और साथ ही इस शहर के आसपास में और भी काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशन मौजूद है। तो दोस्तों ये थी, अब हम बात करेंगे मुंबई के बारे में। मुंबई है सपनों का शहर है, मायानगरी मुंबई, वाकई मुंबई मुंबई यानी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। हर रोज लाखों लोग अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आते हैं। बहुत ही प्यारा शहर है मुंबई। दुनिया भर में मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग और बॉलीवुड के लिए काफी फेमस है। टॉप ऑफ द लिस्ट है मुंबई मेरी जान। आम से मुंबई जितना फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। हर कोई अपने अपने हिसाब से मुंबई को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसके अलावा भी मुंबई को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, गेटवे टू इंडिया, हॉलीवुड ऑफ इंडिया और अभी भी कुछ लोग बॉम्बे बोलते हैं। मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी नाम से आया है और अभी भी मुंबई में मुंबा देवी टेम्पल मौजूद है। स्टेट महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ सबसे आबादी वाला शहर भी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया 4355 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और 2020 तक मुंबई की टोटल पॉपुलेशन 2.8 करोड़ यानी 2 करोड़ 80 लाख बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा। मुंबई को आमिरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन 2019 के हिसाब से मुंबई में कुल मिलाकर 37 बिलियनियर यानी अरबपति रहते हैं। और 2020 में मुंबई की कुल जीडीपी 390 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। Awesome और है। देश की कुल जीडीपी में 5% हिस्सा मुंबई सिटी का ही है। इंडिया में सबसे ज्यादा स्क्रैपर बिल्डिंग मुंबई में ही मौजूद है। मुंबई में 40 फ्लोर से लेकर 117 फ्लोर तक लगभग 180 से भी ज्यादा बिल्डिंग मौजूद है। मुंबई लोअर पेरेल एरिया में स्थित लोधा ऑलडाउन टावर की हाइट 742 मीटर है अबे भाई, और इस बिल्डिंग में 117 फ्लोर मौजूद है। भाई इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग को होल्ड पर रखा है और ये बिल्डिंग ऑफिशियली ओपन होने के बाद टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा। मुंबई की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नवी मुंबई को एक प्लांट सिटी के रूप में बनाया गया था और आज नवी मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट सिटी है। एंटिलिया हाउस मुकेश अंबानी ने 1 बिलियन यूएस डॉलर स्पेंड करके बनाया है और ये घर दुनिया का सबसे महंगा घर है। इंडिया में पहली बार ट्रेन और बस दोनों मुंबई में ही चली थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और ये भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है। मुंबई लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि हर रोज मुंबई लोकल ट्रेन में 70 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं और ये दुनिया की सबसे बिजी रेलवे नेटवर्क भी है। इंडिया में सिर्फ मुंबई में ही मोनोरेल चलता है और मुंबई के मेट्रो रेल में हर रोज करीब 4 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और मुंबई टू पुणे हाई स्पीड हाइपरलूप प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का थर्ड बेस्ट एयरपोर्ट, सबसे प्यारा यार। इंडिया फर्स्ट 5-स्टार होटल ताज होटल मुंबई में ही, इतना बड़ा यार। और ये होटल गेटवे ऑफ इंडिया की बाजू में स्थित है। मुंबई के डिब्बे वाले बिना किसी गलती करते हुए हर रोज लगभग 2 लाख लोगों के पास खाने के डिब्बे पहुंचाते हैं। वाह क्या बात है। मुंबई में काफी सारी मेगा प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है यार, प्यारे और इस सभी मेगा प्रोजेक्ट मुंबई की पहचान को और भी ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। मुंबई के कुछ मेगा प्रोजेक्ट जैसा मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, शिव स्मारक स्टैचू, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक,
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मुंबई अंडरग्राउंड एंड अंडर वाटर मेट्रो, मुंबई पुणे वर्जिन हाइपरलूप। तो दोस्तों ये थी मुंबई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे मुंबई और मुंबई के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छे जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए, जैसे मैरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली दरगाह, बांद्रा वाली सीलिंग, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, संजय गांधी नेशनल पार्क, एलिफेंटा केव्स, हैंगिंग गार्डन, फिल्म सिटी, इजल ओल्ड अम्यूजमेंट वाटर पार्क, जुहू बीच, सिद्धि विनायक टेम्पल, माउंट मेरी चर्च, कन्हेरी केव्स, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड राजाबाई क्लॉक टावर, जहांगीर आर्ट गैलरी, ब्राबोन स्टेडियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, कमला नेहरू पार्क, क्या बनाया जगह यार। तो दोस्तों गाइस यहाँ वीडियो खत्म करते हैं गाइस, और इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस अगर देखा जाए तो गाइस आप लोग बताएं गाइस मुंबई में से आपको ढाका अच्छी लगी है मुंबई क्या। हम तो मुंबई को रिकमेंड करते हैं गाइस, मुंबई मुंबई या भाई, मुंबई ने भाई आग लगा डाला यार। अरे भाई जो ढाका में चीजें नहीं थी गाइस वो मुंबई में थी, मुंबई में रामोजी फिल्म सिटी गाइस बात की गई थी, और गाइस मुंबई में गाइस पूरा बॉलीवुड का गाइस पूरा किंग है शाहरुख खान, जहां पर गाय मुंबई के नाम से पहचान जाता है, बॉलीवुड के नाम से गाय पहचान जाता है, ऐसा गाइस कुछ चीज भी नहीं है गाइस। अगर देखा जाए मुंबई की बात की जाए तो गाय मुंबई बहुत ज्यादा हर देश से गाय मुंबई बहुत ज्यादा आगे, बहुत ही ज्यादा यार, सबसे ज्यादा तो मुंबई आगे यार, बुलेट ट्रेन कभी वहां पे। अबे मामा मेगा प्रोजेक्ट गाइस बात की जाती है, अंडर वाटर मेगा अंडर वाटर ट्रेन गाइस बात की जाती है, मेट्रो की और गाय ट्रेन की बात की जाती है गाइस। अगर हम ढाका की बात की जाए, हम मानते हैं गाय ढाका में आबादी ज्यादा है, बट गाय ढाका में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो मुंबई के पास है, मुंबई के पास है, मुंबई के पास तो सब टेक्नोलॉजी है यार। बट गाइस ढाका में टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं है कि वहाँ पर लोग ज्यादातर ट्रेन पे सफर करते हैं, ट्रेन पे सफर, और भाई वहाँ पर ज्यादा रश इसलिए होता है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं है। अभी वहाँ पर गाइस वर्क जारी है, ढाका भी एक दफा टॉप पर आएगा। आई होप गाइस आपको बहुत मजा आएगा, हमारे चैनल में न्यू सब्सक्राइब बड़ा साथ ही आगे अब तक पहुंच जाएगा, मिलते हैं जय हिंद।